भाई। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शहजाद, आप देख रहे हैं शहजादा व्लॉग और आज हमारे साथ हैं सौरभ भाई। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, को याद कर लिया आज? हाँ भाई, नेक्स्ट वीडियो थी हमारी हितेश भाई के साथ जो कि इंटरव्यू था, तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने कहा किसी व्लॉगर को लाओ मेरी नज़रों में, तो भाई सबसे बेस्ट थे ऐसे में सौरभ भाई। हाँ सौरभ भाई सबसे बेस्ट थे। तो सौरभ भाई, जो आपसे पब्लिक ने क्वेश्चन पूछे हैं वो आपसे पूछ ले जाए भाई। ज़्यादा वो मत पूछना, सेटिंग वेटिंग क्वेश्चन अपने बस की ना भाई। ना टेंशन ना लो आप, अरे लव यू भाई सबको भाई। हाँ। पूछो तुम्हें जो आसे जो जो पूछना है पूछो भाई, आज तुम्हारा हूँ मैं। ओके ओके आसे याद भाई का हूँ। हाँ भाई, आप हयाबूसा कब ले रहे हो भाई? देखो भगवान की दुआ रही तो हाई भी सुनती आएगी, बट गाड़ी अभी मैंने ली थी, मैंने गाड़ी रिसेंटली ली थी बलिनो, ठीक है बलिनो, उसमें दिक्कत आ गई थी और मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया था, उसका प्रॉपर तो वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ के ऊपर, मैं अभी बना नहीं रहा वीडियो। अच्छा अच्छा, बट हाई भूसा का तो भाई ऐसा है, देखो हाई भूसा जल्दी आएगी भगवान की दुआ रही, या फिर आप लोगों का इतना प्यार रहा तो जल्दी आएगी भाई हाई भूसा भी। हाई भूसा सबसे बड़ी गाड़ी आएगी और हाई भूसा ऊपर यही छोड़ कुछ करते नहीं, निंजा S2 आ रही है यही चीज़ है भाई। आपकी गर्लफ्रेंड है और है तो कैसी चल रही है आपकी? भाई देखो गर्लफ्रेंड तो ऐसा था, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। हाँ। तो उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, बट आज ने टाइम नहीं मिल पाता कि गर्लफ्रेंड बनाए और उनको टाइम दे पाए, क्योंकि भाई यूट्यूब टाइम देना पड़ता है, अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ता है, फिर व्लॉग के बारे में सोचना पड़ता है, तो भाई टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों को यार। भाई देखो अपन ना थी वैसे, हाँ पहले थी भाई, चलो जो झूठ नहीं बोलेंगे भाई जो बातें सो। हाँ भाई, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं इंटरव्यू में झूठ बोल देते हैं, और सबसे ज्यादा अपना काम झूठ बोलने वाला है नहीं, अपन टोपी वाले ब्लॉगर नहीं, अपन उल्टी टोपी वाले ब्लॉगर भाई। नहीं भाई देखो, बहुत से होते हैं झूठ बोल देते कि भाई इन चीजों से हम बहुत दूर है, हम स्वामी टाइप का आदमी है, लेकिन सबसे ज्यादा झोलझाल उन्हीं के अंदर निकलता है साले। चलो छोड़ो उनके बारे में। सौरभ भाई, नए चैनल जो है, नए यूट्यूबर, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे भाई व्लॉगिंग में? व्लॉगिंग में हाँ, देखो भाई मैं बता रहा हूँ गाइस, देखो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना अपना, तो क्या कहता था भाई, देखो पहले मार्केट बनाई मैंने, खूब मार्केट बनाई, ठीक है, मेरी उस मार्केट में कुछ वीडियोज वायरल हुई, वहाँ थोड़ा बहुत नाम बना, उसके बाद मैंने क्या सोचा भाई, आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हो। देखो मैंने क्या करा था गाइस, मैंने कुछ यूनिक सोचा, देखो मेरे पास ना एक गाड़ी खड़ी थी बिल्कुल, जो कि इसका नाम था 800, ठीक है भाई 800 यार, मुझे लगा कि मेरी उन वीडियो व्यूज़ नहीं आ रही, क्या पता इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो क्या पता व्यूज़ आ जाए, ठीक है भाई, वो पहली वीडियो बनाऊं सीधा मिलियन चली गई भाई, तो वहाँ से भाई मेरा नाम बनना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले गाइस 800 को यूट्यूब पर से तो यार मैं ही लेके आया था। अच्छा अच्छा, चोर बाजार वगैरह की तो व्लॉगिंग नहीं की ना भाई? वो बहुत पहले की थी, और अपन ऐसे बोलते भी नहीं भाई, अपने चोर बाजार बनाओ अपने को भाई चीज़ें शौक नहीं है, मार्केट में हाँ, हाँ। बता देना भाई, क्योंकि भाई हम तो गुच्छी अरमानी करते हैं भाई, ये मत करो भाई, डायरेक्ट गुच्छी अरमानी है भाई हमारी तो। भाई आप हर वीडियो में टोपी क्यों लगाते हो? इस टोपी के पीछे का राज बताओ। राज कुछ नहीं है, देखो जब मैं नहा के निकलता हूँ ना भाई देख लो भाई, बाल है अपने भाई, देख लो बाल है भाई, बाल भाई, क्योंकि कुछ लोग होते हैं टोपी के पीछे पता नहीं क्या क्या छुपाते हैं, टकले होते हैं, लेकिन टोपी के पीछे बहुत पैसा है टोपा तो मतलब टोपा लगा लो कुछ छुपाते तो नहीं है टोपी, टोपा पहना लो ये हो सकता है भाई। अच्छा टोपी उतार के दिखा सकते हो भाई? मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को लगता है भाई गंजे भाई है बाल, क्योंकि कुछ लोग टोपी लगाते हैं सिर्फ अपना गंजापन, और उसको बोलते हैं स्वैग स्वैग। सौरभ भाई, पब्लिक की जो डिमांड है, आपके कमेंट आते हैं, मैं इंस्टा पे भी देखता हूँ, आप जो शॉपिंग करते हो हाँ। कपड़े वगैरह बाय करते हो, वो कहाँ से करते हो भाई? देखो मेरा पर्टिकुलर एक जगह से नहीं होता, देखो मैं ज़ारा से भी करता हूँ, H&M से भी करता हूँ, और जो लोकल शॉप जो होती है ना बाहर की हाँ। जो लोकल शॉप जो होती हाँ। है उनसे भी बाय कर लेता हूँ भाई, कर ले। भाई हर एक हर, मैं भी ये नहीं है भाई गुच्ची अरमानी दिखाऊँ भाई अपने को, ये भाई पसंद नहीं है, ठीक है हाँ नहीं पसंद भाई अपने को गुच्ची अरमानी है हाँ भाई, नॉर्मल गुच्ची अरमानी भाई ये हम पहनते भी नहीं भाई, ठीक है ओके, जहाँ से मैं जो कपड़े पसंद आए उठा लिए, बंदों को पसंद आना चाहिए, यही नहीं कि भाई हम गुच्ची अरमानी हैं हाँ भाई, बस वही ज़ारा H&M या लोकल शॉप कोई सी मिल जाए उठा लेते भाई, सामने कपड़ा अच्छा दिख रहा चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, वो तुम पे जो अच्छा लगे बस खत्म बात। ओके सौरभ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, आपका फेवरेट यूट्यूबर व्लॉगर वाइंस और आपका रोस्टर, आपका जो फेवरेट है एक एक बता दीजिए भाई। पहले वाइंस का बताऊं? हाँ वाइंस का बताओ या व्लॉगर बता दो भाई। वाइंस में मेरे को पसंद है वैसे राउंड 12 और व्लॉगिंग में लॉगन पॉल, ठीक है, और रोस्टर में लक्ष्य चौधरी, ये भाई तीन बंदे हैं मेरे दिल के अंदर भाई। व्लॉगिंग में कौन है भाई? भाई व्लॉगिंग में
लोगन पॉल ही है, लोगन पॉल भाई इसकी देख लेता हूँ वीडियो। और भाई टॉपी ओपी वाले की नहीं देखते, टॉपी ओपी ना देखते भाई हम लोग। सही है भाई, टॉपी वालों से दूर ही रहना चाहिए। मैंने बस मैंने टोपी लगा उल्टी करके लगा रखी उल्टी करके। हाँ सौरभ भाई आप एक बात बताओ, जैसे अब हम मॉल में जाते हैं वहाँ व्लॉग शूट करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं वीडियो शूट, तो वहाँ कैसे करें हम? भाई देखो ना लोग ना भसड़ मचाते फालतू के, ठीक है। हाँ भाई देखो पहली बात तो भाई एक अच्छा सा फ़ोन ले लो आप लोग, अच्छा सा। हाँ किसी कैमरे की जरूरत ना पड़े आपको, बिल्कुल बढ़िया। कैमरा पता है मॉल में अलाउड नहीं होता, आपको पता होगा इस चीज़ की, ठीक है। बट एक फ़ोन ले लो, फ़ोन से भाई आप कोई मना नहीं करेगा, फ़ोन जाओ फ़ोन से व्लॉग बनाओ और थोड़ा देख के बना लो कि वो देख भी रहा है देख रहा हो, उनकी चीज़ें कैप्चर मत करो, आप अपने अपनी वीडियो बनाओ बस खाली, ये होता है बस। भाई लोग ना भसड़ मचाते फालतू की यहाँ क्या वो मत बनाओ वीडियो मत बनाओ, तो ये ना दिमाग से पलट उतारो और वीडियो बनाओ दो बस, अपन ये बोलना चाहेगा। सौरभ भाई आप फुल टाइम यूट्यूबर हो? भाई फुल देखो मैं फुल तो खैर हूँ नहीं भाई, क्योंकि मेरे अपना भी काम है मैं थोड़ा, ठीक है। तो फुल टाइम तो यूट्यूबर नहीं हूँ, बट हाँ इतना कि यूट्यूब चैनल अभी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ोगे नहीं अगर टाइम मिला मेरे को ठीक से, तो यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ूंगा। जैसे मेरी वीडियोस बहुत लेट आती है भाई, बट रेगुलर करने की कोशिश करूंगा भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप अपनी अर्निंग बताओगे? भाई अर्निंग का ऐसा है मैं इतने इतने पैसे कमा लेता हूँ फिलहाल, एक मैं न्यू बैग ले सकता हूँ हर महीने, न्यू बैग भाई बैग ले सकता हूँ भाई ना भाई, इतनी स्प्लेंडर वगैरह ले सकता हूँ भाई, स्प्लेंडर न्यू हर मंथ। शोरूम खोल देगा फिर। और गाइज मैं आपको सबसे जो अहम बात है ये हमारी मतलब क्वेश्चन से अलग है, ये एक मैं खुद ही कहता हूँ, चाहे मेरे को यहाँ पकड़ के सौरभ भाई पीट दे मार दे, अरे भाई फोटो खींचने के इन्होंने मेरे से 200 लिए और वीडियो शूट करने का 1,00,000 रुपये लिया। अरे भाई 1,00,000 रुपये ले लिया भाई, कैसे बंदे आए नहीं भाई, नहीं है ना नहीं भाई नहीं बोला। अच्छा सौरभ भाई ये भैंस की आंख क्या है, भैंस की आंख भाई आपकी हर वीडियो बन चुके हैं, भैंस की आंख बोलना ना पता है क्या भाई, किसी यूट्यूबर कॉपी नहीं है भाई। हाँ हाँ वो बंदे बोलते हैं बट उससे पहले मैं बोलता था। हाँ बिल्कुल सही बात, भैंस की आंख मेरी आदत बन चुकी है भाई, जैसे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई मेरा तो यही आप देख रहे हो आपका अपना गोरावज़ोन। सौरभ भाई ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और जो कि काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि आपसे पूछूं, तो जैसे आपने बोला था हमने बहुत पहले डीएम पे वो चीज़ चल रही थी। हाँ हाँ तो उस टाइम तो आप भी काफ़ी बिजी थे और टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आप जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये है कि अभी कुछ लोगों की आपके साथ में 3-4 बंदे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत बुरी भसड़ चल रही थी, कुछ उसके बारे में बताइए कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या सच्चाई थी, क्या क्या इसमें खराबी थी, आप बताइए। भाई देखो सच्चाई का मैं ये बोलूँगा गाइस कि सबको पता है कि कौन कैसा बंदा है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरा पॉइंट फ्लैंग बिच के बारे में कितना कुछ उन्होंने बोला, उसके बाद ही पब्लिक ने इग्नोर करा, ठीक है। हाँ हाँ भाई उसकी वाइफ के बारे में की सबसे बड़ी गलती है कि वो ना उसकी गलती नहीं पकड़ रही बिल्कुल भी। हाँ हाँ और हमेशा उन्हें प्यार ही पड़े भाई, मेन बात है ना वो बंदा खेल जाता है, खेल जाता है, इतना अच्छा हिट चल रहा था उसके ऊपर, ठीक है, पब्लिक का तुम्हें पता ही है। उसके बाद वो मिल्खा सिंह को ले आया वीडियो के अंदर, ठीक है, सारा हिट हमेशा खत्म हो गया। तो पब्लिक ना भूला मत करो, ठीक है, जो चीज़ हुई है ना उस पर यार अमल रहा करो, मैं यही चीज़ बोलूँगा भाई। काफ़ी कुछ उसने लोगों को पता है कि बंदा गलत है, सबको पता है भाई ये बात, तुम्हें भी पता है भाई, ठीक है, सबको पता है बंदा गलत है, उसके बाद भी पब्लिक सपोर्ट कर रही है, तो उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता ब्रो। मतलब उसका जिक्र वो इस लायक रहा ही नहीं कि अब हम उसका जिक्र करें भाई। बढ़िया भाई, बाकी है भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई। और भाई गाइस भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अभी और इनके चैनल पे और ब्लॉग आते रहेंगे इनके साथ ब्लॉग। भाई जो सौरभ भाई की पब्लिक इधर आई है ना वो कमेंट करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करके जाना है। हाँ 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 लाइक होनी चाहिए वीडियो और जुड़ जाओ भाई के साथ, भाई के साथ जुड़ जाओ, और भाई बहुत सारे आते रहेंगे भाई। हाँ भाई अब जल्दी व्लॉग आएगा हमारे साथ में, भाई जल्दी बहुत जल्दी आएगा व्लॉग ही आएगा, सीधा गुच्ची अरमानी और भाई गुस्सा के साथ आएगा भाई, अब गुच्ची अरमानी आएगा और कुछ नहीं आएगा, हम और कुछ नहीं दिखाते हम भाई आपको चीज़ें, देखो जितने मिनट हो सकता होता फेक चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। नहीं नहीं एक काम करेंगे ना, एक काम करेंगे नहीं मांग के ले आएंगे बाइक, किसी को क्या पता भाई, नहीं बता दूंगा मैं, अपन ही बता देंगे और क्या, मुझे तो मेरे को आदत बन चुकी है यार आपका बनाने के लिए, आपको जल्दी बनाया था मैं। ओके फिर मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा मम्मी इसकी क्या नाम है, पूजा वूजा घर में आ चुकी है और 1,000 रुपये का डॉग लिया, यही हो सकता। चलो भाई अच्छा लगा यार, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई की वीडियो को, ठीक है, भाई के चैनल को लाइक करो फटाफट से, और सारी वीडियो में अगर लाइक मारो, जितने भी नए नए आएंगे भाई के साथ साथ जितने ब्लॉग आएंगे भाई उनको भी लाइक करना है भाई का चैनल सब्सक्राइब मार दो फटाफट से, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन भाई मैं खत्म कर दूँ।
खत्म कर दो। ओके जो भाई आपको इंटरव्यू अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट मोमेंट डन बाय। और इस इंटरव्यू अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, मोबाइल मत छोड़ना।